सो गाइस ये है हमारे गिफ्ट जो हमें पोकेमोन मेला में मिले थे, तो चलो आइए एक एक करके देखते हैं इन्हें। सो गाइस हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है ये कैप्टन पिकाचू का कीचेन, तो आइए इसे ओपन करते हैं। ये तो अच्छे से पैक हुआ है। और सो गाइस ये रहा वो कैप्टन पिकाचू का कीचेन, क्या मस्त लग रहा है यार। ये दोनों तरफ इसके प्रिंट है, दोनों तरफ आप देख सकते हो कैप्टन पिकाचू है, और ये कीचेन जैसा आप इसको कहीं भी लटका सकते हो। और यार इसका शाइन देखो, देखो ये क्या शाइन होता है। इसका मटेरियल कुछ अलग है, नॉर्मल जो कीचेन होते हैं वैसा नहीं है। मुझे तो काफी पसंद है यार कैप्टन पिकाचू, बहुत सही लग रहा है। तो ठीक है, इसे हम यहाँ साइड में रखते हैं और अब देखते हैं दूसरा प्रोडक्ट क्या है। सो गाइस अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास ये स्टिकर्स के कुछ मिस्ट्री पैक्स है, आप देख सकते हो ये सील्ड है पूरे, इसके अंदर क्या स्टिकर है मुझे भी नहीं पता, तो इसको हम आगे वीडियो में ओपन करेंगे। बट फिलहाल के लिए देखते हैं ये बुक, फन बुक करके हमें कुछ मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में लिखा हुआ है फन बुक, और सेम यहाँ पे ये पीछे है फन बुक। तो ये बुक एक्चुअली कैसा है, दोनों तरफ से, यहाँ से आप जाओगे तो आपको इंग्लिश में मिलेगा, और आप अगर यहाँ से जाते हो तो आपको सब कुछ हिंदी में मिलेगा। इसमें इतना भी कुछ खास ऐसा है नहीं, बट ये काफी अच्छा है यार, मुझे तो काफी पसंद आया ये बुक। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हिंदी में, मैं पिकाचू, आई थिंक आपको ये सब फिल करना है यहाँ पे, इनके नाम क्या है, फिर क्या, इस पोकेमोन ढूंढे, इस फन बुक में छिपे पोकेमोन ढूंढे और पेज नंबर लिखे। तो अच्छा आई थिंक यहाँ पे इन्होंने पेज लिखा हुआ है, तो आगे बुक में सिंडक्विल कहाँ पे है, रुक जाओ हम ढूंढते हैं सिंडक्विल कहाँ पे, दिख रहा है कहीं पे किसी को यार, पता नहीं सिंडक्विल का, आई थिंक यही होगा, आई थिंक इसको कलर करना है और इसका पेज नंबर, अच्छा यहाँ पे 12 है तो ये 13 ही होगा, और क्या होगा। यहाँ पे कुछ पोकेमोन क्विज है, फिर यहाँ पे अंदर इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखा है कि आप एपिसोड कहाँ पे देख सकते हो। देखो पोकेमोन जर्नीस का एपिसोड चल रहा है, पोकेमोन अल्टीमेट जर्नीस जो उसके अगला वाला है वो चल रहा है, फिर पोकेमोन XY के भी एपिसोड यूट्यूब पे आते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो ये चैनल है पोकेमोन एशिया ऑफिशियल हिंदी, यहाँ पे आपको हिंदी में सारे एपिसोड्स दिखते हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हो। फिर यहाँ पे यार वही कुछ जो पोकेमोन के गेम्स थे उसके बारे में, पोकेमोन गो, पोकेमोन यूनाइट, पोकेमोन स्माइल। यार मुझे बताओ किस किस ने ये गेम ट्राई किया है। ये मैंने ट्राई किया है, इसमें आपको सेल्फी मोड में कैमरा ऑन रख के ब्रश करना होता है, बस यही गेम है ये, और कुछ नहीं होता है इसमें। और ऐसे फिर आपको फिल्टर आते हैं आपके फेस के ऊपर। तो मुझे बताओ कि तुम में से किन लोगों ने ये ट्राई किया हुआ है पोकेमोन स्माइल, और अगर आपने नहीं किया है तो जरूर ट्राई करो और मुझे बताओ कैसा लगता है। और फिर नेक्स्ट है पोकेमोन स्लीप, पोकेमोन कैफे, यार ये सब गेम मैंने खेले हुए, ये पोकेमोन मास्टर्स ये भी मैंने खेला हुआ है, पोकेमोन क्वेस्ट भी मैंने खेला हुआ है, ये बहुत सारे खेले हुए। और फिर आगे तो पोकेमोन लूडो के इसमें इन्होंने दिया हुआ है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, सच बता रहा हूँ, अगर मैं स्कूल में होता और ये मुझे मिलता ना, सारे बुक पे लगा के ऐसे दौड़ में घूमता कि भाई मेरे पास पोकेमोन के नोटबुक लेबल है, देख हिंदी में भी इंग्लिश में भी। बट अब कुछ इसका फायदा है नहीं यार, अब तो लगा के कहां ही जाऊंगा वो। तो ये रहा ये बुक, काफी फन बुक है, काफी कुछ है इसमें करने के लिए, अब बढ़ते आगे। सो गाइस हमारा नेक्स्ट गिफ्ट है पोकेमोन गो का, तो वहाँ पे पोकेमोन गो का भी बूथ था, तो उन्होंने हमें कुछ दिया हुआ है। तो ये ऐसा है पीछे, ये टास्क कंप्लीट करने थे तो हमें ये मिला था, तो ये जो कोड है वो अब हमें रिडीम करना है। तो ये कोड क्या है, तो इस कोड को हम पहले पोकेमोन गो के ऐप में रिडीम कर सकते थे, बट अब हमें ऐसे वेबसाइट पे जाके करना होता है। तो चलो कोड एंटर करते, यहाँ पे हमें कोड एंटर करना है, कोड है CB। सो हमने कोड एंटर कर लिया है इसमें, तो अब हमें यहाँ पे करना है सबमिट, लेट सी क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें आ गया है कि यू हैव सक्सेसफुली रिडीम्ड दिस ऑफर। तो अब इसके बाद हमें चलना है पोकेमोन गो के अंदर, तो अब हमें यहाँ पे पता चलेगा कि अपना जो कोड है वो रिडीम हुआ है या नहीं। तो अब यहाँ पे हमें कुछ आइटम्स मिलने चाहिए, तो यस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली रिडीम्ड एन ऑफर ऑनलाइन। तो ओके करते हैं। ओ भाई आप यहाँ पे देख सकते हो एग इनक्यूबेटर, एक स्टार, दो, नहीं 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 कितना, रुक जाओ एक मिनट, बहुत कुछ मिला है हमें। तो हम जाते हैं यहाँ पे हमारे जर्नल में, और आप जर्नल में देख सकते हो आपके रीसेंट एक्टिविटीज। तो यहाँ पे दो बैटल पास है, दो स्टार पीस है, दो इनक्यूबेटर है और दो लकी एग है। तो यार ये काफी अच्छे आइटम्स मिले हमें इस कोड से, मुझे लगा था बस एक एक कुछ ऐसे आइटम्स मिलेंगे, बट नहीं, हमें हर चीज दो दो मिले। और मैं अब तक स्टिल लेवल 40 पे हूँ, मुझे लेवल 50 पहुंचना है, तो हमारे लिए लकी एग काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये दो लकी एग हम यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये फर्स्ट पैक ओपन करते हैं, आइए देखते हैं इसमें क्या मिलता है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि इसमें हमें क्या मिलेगा, है इतना तो है बट कुछ अलग स्टिकर मिलेगा क्या, देखते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा अच्छे से ओपन करो इसे, तो इसके अंदर बस एक ही स्टिकर है, ऐसे नहीं है कि मल्टीपल है कुछ। तो आइए थोड़ा इसे हम सरप्राइज रखते हैं। और हमें फर्स्ट पैक में से मिला है
डिट्टो ओके ओ ये कुछ अलग है यार, ये मुझे लगा था वही जो हमें बाहर जो स्टिकर्स मिले वही रिपीट होंगे अंदर, बट नहीं ये कुछ अलग है यार, ये कुछ अच्छा लगा मुझे ये देख के। डिट्टो 132 लिखा हुआ है, डिट्टो का आई थिंक पोकेडेक्स नंबर है 132। ये चीज क्या है ये मुझे नहीं समझा, बट ठीक है यार मुझे अच्छा लगा डिट्टो मिला है हमें, नाइस। डिट्टो को यहाँ रखते हैं, अब चलते हैं पैक नंबर 2 के तरफ। तो पैक नंबर 2, इसे पहले ऐसे नीचे कर लेते हैं स्टिकर को, खुल जा ओके। तो ये पैक अच्छे से खुला है हमारा ओके। तो हमारा अगला, अरे तो हमारा अगला स्टिकर है, सो गाइस सेकंड पैक में से हमें मिला है मैजिकार्प, वो नाइस मैजिकार्प ओके। तो यहाँ पे जो था डिटो के, ये आई थिंक टाइप का सिंबल है, ये वाटर टाइप है और ये नॉर्मल टाइप है, तो ये टाइप का सिंबल से हमें पता चल गया है वो चीज क्या है। यहाँ पे हमें मैजिकार्प मिला है 129 मैजिकार्प का पोकेडेक्स, नाइस यार ये ग्राफिक्स मुझे पसंद है काफी। यहाँ पे पोकेमोन का लोगो है और ऐसे रेड कलर का बैकग्राउंड, सही यार मुझे तो ये काफी पसंद आ रहा है यार, काफी पसंद आया मुझे ये। तो इसे भी हम रखते हैं डिटो के साइड में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैक और लास्ट पैक की तरफ, क्या मिल सकता है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें सारे जो 151 पोकेमोन है स्टार्टिंग के उनके स्टिकर्स भरे हुए हैं, तो क्या हमें कोई लेजेंडरी मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लेजेंडरी बर्ड हमें इसमें से मिलेगा, लेट्स ट्राई लेजेंडरी बर्ड आ जाए यार, लेजेंडरी बर्ड आ जाए प्लीज। सो गाइस रेडी, ये हमारा लास्ट पैक, इसको साइड में रखते हैं। और लास्ट पैक में से हमें मिला है प्लीज कोई लेजेंडरी चाहिए हमें, प्लीज ड्रैगन। बट ठीक है यार चलेगा, कोई बात नहीं, ड्रैगन ही सही। इसका आई थिंक हिंदी नाम सिगायगर, सो ड्रैगन को इन्होंने हिंदी नाम भी दिया हुआ है जो है सिगायगर, मतलब क्या सी टाइगर ऐसा कुछ है क्या ये। और यस यहाँ पे इसका टाइप का सिंबल है आइस एंड वाटर। एक अच्छा है कि हमारे पास कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, तीन अलग अलग पोकेमोन हमें मिले। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इन्होंने बस एक ही टास्क दिया था और एक टास्क करोगे तो आपको एक स्टिकर मिलता है ऐसा था। ये दो तो मेरे और दो फ्रेंड्स लोग ने किए तो उनके पैक्स मैंने ले लिए, तो आई थिंक सारे 151 पोकेमोन इस पैक्स में थे और हमें तीन पैक में से इतना मिला है। तो अगर कोई चाहता है कि ये सेट कंप्लीट करे तो मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है, क्योंकि इतने पैक्स वो पहली बात तो एक इंसान को देंगे ही नहीं। तो ठीक है हम तो खुश है डिटो, ड्रैगन नहीं सिगायगर और मैजिकार्प के साथ।